तेजस्वी यादव को लेकर ये कहा जाता है कि तेजस्वी यादव भगवान श्री रामचंद्र के बहुत बड़े विरोधी हैं। तेजस्वी यादव को लेकर उनके विरोधी ये भी कहते हैं कि तेजस्वी यादव हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। उनके विरोधी ये भी कहते हैं कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, इससे भी तेजस्वी यादव को नफरत है। बीजेपी सहित संघ के लोग कहते हैं कि तेजस्वी यादव और उनके परिवार के लोग यानी लालू परिवार हिंदू धर्म के खिलाफत करने वाले लोग हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने सीता मैया के लिए जितना बड़ा दिल दिखाया है ये जानकर आप कहेंगे कि नेता हो तो तेजस्वी यादव के जैसा। आपको मालूम है महागठबंधन की सरकार में तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। तेजस्वी यादव के पास 5 अलग अलग विभागों का जिम्मा है, स्वास्थ्य विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, सड़क एवं पथ निर्माण विभाग, इसके अलावा नगर आवास एवं विकास विभाग के साथ साथ तेजस्वी यादव पर्यटन विभाग की भी जिम्मेवारी संभाल रहे हैं। 29 अप्रैल 2023 को तेजस्वी यादव सीतामढ़ी के सीतामढ़ी महोत्सव में बतौर उप मुख्यमंत्री मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे। खुले मन से जब तेजस्वी यादव लोगों को संबोधित कर रहे थे तो उन्हें याद था कि सीतामढ़ी सीता मैया की जन्मभूमि है और सीता मैया के नाम पर ही इस जिले का नाम सीतामढ़ी पड़ा है और उसी सीतामढ़ी में पुनौरा धाम है जो सीता मैया की जन्मभूमि कही जाती है, उसको विकास का उसको लेकर भी आगे विकास का कार्य करना है। खुले मन से तेजस्वी यादव तब ये ऐलान करके कहते हैं कि बहुत जल्द सीता मैया के जन्मभूमि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम को भारत स्तर पर विकसित करने के लिए हम बड़ी राशि देंगे। तेजस्वी यादव के इस बयान पर उनके विरोधियों ने कटाक्ष भी किया था, लेकिन सामने बैठे लोग हजारों की संख्या में जो थे तालियों के साथ तेजस्वी यादव के इस ऐलान का स्वागत किया था और उन्हें इस बात की उम्मीद थी कि तेजस्वी यादव खुले मन से कहकर जा रहे हैं तो सीता मैया के लिए तेजस्वी यादव राज्य सरकार का पिटारा जरूर खोलेंगे। और तेजस्वी यादव ने वो किया भी। तेजस्वी यादव ने माता सीता की जन्मभूमि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास को लेकर 72 करोड़ रुपए जो है वो जारी कर दिए हैं। कैबिनेट ने फैसला ले लिया है और अब तेजस्वी यादव के जो समर्थक हैं उनके पार्टी के लोग कह रहे हैं ये वाकई में नेता हैं, ये तेजस्वी यादव हैं, जो कहते हैं उसे पूरा करते हैं। और तेजस्वी यादव ने ये करके साबित भी कर दिया है कि तेजस्वी यादव से बड़ा भगवान श्री रामचंद्र और माता सीता का भक्त और कोई नहीं है। आपके सामने एक विज्ञप्ति दिखा रहे हैं हम, जिसमें आप देखकर पढ़ सकते हैं, साफ साफ लिखा गया है सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर के विकास हेतु राशि 72 करोड़ 47 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है जिसे पुनौरा धाम के नाम से भी जाना जाता है। इस योजना के तहत परिक्रमा पथ, सीता वाटिका, लौकुश वाटिका, जानकी महोत्सव क्षेत्र का विकास, सुंदर वास्तुशिल्प से सुसज्जित दीवारें, पार्किंग और अन्य पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा। बिहार में सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौरा धाम एक महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल है। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा गांव में मां जानकी जन्मभूमि मंदिर है जिसे पुनौरा धाम के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता सीता का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। इससे जुड़ी कथा है कि मिथिला में एक बार भीषण अकाल पड़ा और वहां के पुरोहित ने राजा जनक को खेत में हल चलाने की सलाह दी। तब राजा जनक हल चला रहे थे तब जमीन से मिट्टी का एक पात्र निकला जिसमें माता सीता शिशु अवस्था में थी। यहां देश एवं विदेश से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पर्यटकों का आगमन होता है। यहां आने वाले श्रद्धालुओं पर्यटकों को उच्च गुणवत्तापूर्ण पर्यटकीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस क्षेत्र में संख्या में वृद्धि, नए पर्यटकीय संरचनाओं का निर्माण कार्य किया जाना आवश्यक है। इससे पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी एवं सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। साथ ही आसपास के क्षेत्रों में स्थानीय लोगों के लिए रोजगार एवं व्यापार की संभावनाएं भी सृजित होगी। इस योजना के अंतर्गत कॉलम युक्त कोलोनेड परिक्रमा पथ का निर्माण होगा।
सीता वाटिका, लौकुश वाटिका, जानकी महोत्सव क्षेत्र का विकास होगा, सुंदर वास्तु शिल्प से सुसज्जित दीवारें होंगी, पार्किंग होगा, मंडप और आंतरिक सड़कें होंगी, 3D एनिमेशन शो, डिस्प्ले क्योस्क, कैफेटेरिया, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, पाथवे, भित्ति चित्र कला, मूर्ति कला एवं अन्य कलात्मक कार्य, लैंडस्केपिंग, थीमेटिक गेट इत्यादि कार्य घटक सम्मिलित है। योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम के द्वारा किया जाएगा। मंत्रिपरिषद के द्वारा सीतामढ़ी जिला अंतर्गत पुनौरा धाम मंदिर के विकास हेतु प्राकलित राशि 72,47,00,000 रुपए की मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है। और ये सरकार का विज्ञापन बता रहा है कि तेजस्वी यादव ने इतना बड़ा दिल दिखाया है सीता मैया की जन्मभूमि पर विकास करने के लिए, सीता माता की जन्मभूमि पर और भी तरीके से विकास के कार्य करने के लिए। ये साबित होता है कि तेजस्वी यादव के विरोधियों को करारा जवाब मिला है। तेजस्वी यादव ने यह साबित किया है कि ना तो वो राम के विरोधी हैं, ना तो वो सनातन के विरोधी हैं, ना तो वो माता सीता के विरोधी हैं, बल्कि वो तो राम और सीता के भक्त हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।